हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ सुष्मिता और मेरे चैनल सुष्मितास डायरीज पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं असमय सफ़ेद हो रहे बालों को फिर से काला बनाने के लिए और बालों को तेज़ी से घना बनाने के लिए एक घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ। लगातार इस्तेमाल से ये उपाय गंजेपन को भी दूर करने में सहायता करेगा। तो आइए शुरू करते हैं, पर सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही जुड़े रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो हमें चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ मैं लूँगी वो है करी पत्ता, जिसे हम मीठी नीम भी कहते हैं। अगर इसकी ताज़ा पत्तियाँ न मिलें तो ड्राई यानी सूखी वाली भी ले सकते हैं, हालांकि ताज़ा पत्तियाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। इस वीडियो में यूज़ की गई सभी चीज़ों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है ताकि आप उन्हें ऑनलाइन खरीद सकें। करी पत्तों में बालों की सफ़ेदी हटाकर उन्हें काला बनाने की शक्ति होती है। इसमें बीटा कैरोटीन नाम की पदार्थ के साथ विटामिन सी भी पाया जाता है, जिससे बाल लंबे, घने और काले होते हैं। इसके अलावा मैं लूँगी हिना यानी मेहंदी के पत्ते। हिना का प्रयोग पुराने समय से बालों को रंगने और घना बनाने के लिए होता आया है। मैंने ये पत्ते मेरी बालकनी में लगे मेहंदी के पौधे से लिया है। मैंने कुछ पौधे जो बालों की बढ़त के लिए इस्तेमाल होते हैं वो घर पर उगा रखे हैं। आगे के वीडियोस में मैं अपना छोटा सा बालकनी गार्डन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके अलावा हम लेंगे ये छोटे साइज के लाल प्याज। वैसे तो आप बड़े साइज के प्याज भी ले सकते हैं, पर ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाई बनाने में ये छोटी वाली प्याज यूज़ होती है। सफ़ेद प्याज हालांकि ना लें। प्याज में सल्फर नाम का पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो बालों के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होता है। इसीलिए प्याज का इस्तेमाल गंजेपन को रोकने में होता है। इसे हम छील कर हल्का सा क्रश करेंगे ताकि इसका अर्क निकल आए। इसके बाद हमें चाहिए आंवला। मैंने ये सूखा वाला लिया है, आप चाहें तो फ्रेश आंवला के पीसेस भी ले सकते हैं। आंवला बालों को काला और घना बनाने के लिए जाना जाता है। इससे सफ़ेद हो रहे बालों की समस्या में तुरंत राहत मिलेगी। हम यहाँ मेथी दाना भी लेंगे। मेथी के बीजों में गंजेपन की समस्या तक दूर करने की शक्ति होती है। आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए वो ऑप्शनल यानी वैकल्पिक है। अगर आपको ना मिले तो आप रहने दें, लेकिन इसे यूज़ करने से बालों को बहुत फ़ायदा होगा, और वो है गुड़हल का लाल फूल, जिसे हम हिबिस्कस, जावा कुसुम और चाइना रोज़ भी कहते हैं। पुराने समय से खासतौर पर दक्षिण भारत में गुड़हल के पत्तों और फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल बालों को काला और घना बनाने के लिए होता रहा है। अगर फ्रेश फूल ना मिले तो इसकी सूखी पंखुड़ियाँ ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगी। और जैसा मैंने कहा, इस वीडियो में यूज़ की गई सभी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी ताकि आप उन्हें ऑनलाइन खरीद सकें। अब तेल बनाने के लिए हम लेंगे करीब 200 मिलीलीटर तिल का तेल। तिल का तेल बालों को रातों रात बढ़ाने में बहुत सहायक है। इसे हम सेस्मे या जिंजली ऑयल भी कहते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 200 ml नारियल का तेल। नारियल का तेल बालों की डीप कंडीशनिंग करेगा और उनमें चमक लाएगा। इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक भारी तले का गहरा बर्तन लें। हल्के बर्तन में सारी सामग्री जल जाने का डर है। गैस स्टोव ऑन करके कढ़ाई गर्म करें। ध्यान रखें कि पूरे समय आंच मीडियम से लो पर ही रहेगी। हमें सारी सामग्री का रस तेल में धीरे धीरे मिल जाने देना है। इसे फ्राई नहीं करना, इसीलिए आंच स्लो ही रखें। कढ़ाई गर्म हो जाने पर दोनों तेल डालें। हल्का गर्म हो जाने पर सबसे पहले मेथी डालेंगे। मैंने जिस सीक्वेंस यानी क्रम अनुसार सामग्री डाली है, आप भी वैसे ही डालें। पत्तियां और फूल पहले डालने से वो जल जाएंगे। थोड़ी ही देर में तेल में झाग उठने लगेगा।
अब इसमें क्रश की गई प्याज मिलाएं। धीरे धीरे चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। 5 मिनट में देखिए प्याज और मेथी का रंग बदलने लगा। अब इसमें आंवला डालेंगे। मैं मोटे और कम जलने वाले आइटम्स पहले डाल रही हूँ। अब इसमें करी पत्ता डालेंगे। क्योंकि सॉलिड आइटम्स पहले डाले जा चुके हैं इसीलिए पत्तियां अब जलेंगी नहीं। देखिए कितना झाग उठ रहा है, इसीलिए जरूरी है कि गहरा बर्तन ही लें और इसे लगातार चलाते रहें। आखिर में हम गुड़हल के फूल डालेंगे क्योंकि ये सबसे नाजुक हैं। इसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर रहने दें ताकि तेल में सभी चीजों का एसेंस मिल जाए। देखिए तेल का रंग हरा हो गया है लेकिन कोई भी चीज जली नहीं। आंच बंद करके इसे एकदम ठंडा हो जाने दें। अब एक साफ और सूखी कांच की शीशी लेंगे। इसमें जरा भी नमी या पानी नहीं होना चाहिए वरना तेल खराब हो जाएगा। ये देखिए हमारे गहरे रंग का प्याज और जड़ी बूटियों का तेल तैयार है। इसमें अगर पानी या बार बार उंगलियां न डाली जाएं, तो ये 3 महीने तक आराम से स्टोर किया जा सकता है। इसलिए एक कटोरी में अलग से निकाल कर यूज करें। इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो देखते हैं। हफ्ते में 2 बार बालों की जड़ों से सिरों तक ठीक से मसाज करें। ये पूरी तरह से नेचुरल है और इसे कोई भी यूज कर सकता है, मर्द, बच्चे और औरतें। ठीक से मसाज करके रात भर छोड़ दें और अगले दिन शैम्पू करें। क्योंकि ये प्याज का बना है तो हल्की गंध आना स्वाभाविक है, पर शैम्पू करने पर ये स्मेल पूरी तरीके से चली जाती है। इसके लगातार इस्तेमाल से आप कुछ ही हफ्तों में अपने बालों में फर्क देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।